आज हम बहुत सुंदर रंग बिरंगी फूलों की पंखुड़ियाँ बनाएंगे। इसके लिए आपको 15 सेंटीमीटर का चौकोर कागज़ लगेगा, एक तरफ सफ़ेद और एक तरफ रंगीन। सबसे पहले आप एक कागज़ को, चौकोर कागज़ को आधे में मोड़ें, फिर उसको चौथाई में मोड़ें। ये देखिए उसमें चार तहें हैं, उसके अंदर हम खोल के एक बार दोबारा देख सकते हैं, ये चार तहें हैं। उसके बाद में उसमें एक आधी पत्ती जैसी आप बनाएं पेन से और उसको कैंची से काट दें, क्योंकि कागज़ में चार तहें हैं और जब आप उसको खोलेंगे तो आपको इसमें दो पत्तियां जैसी दिखाई देंगी, बाएं दाएं एकदम सिमेट्रिक। एक बार उनको फिर मोड़ें और दो थोड़ी सी वक्र रेखाएं, दो कर्व लाइंस दोबारा बनाएं और इन दोनों रेखाओं को आप कैंची से काटें, चारों तहों को एक साथ। अब जब आप इस मॉडल को खोलेंगे तो ये देखिए दो दो पंखुड़ियां बन गई हमारी। उसके बाद में जो कटी हुई पंखुड़ियां हैं उनको आप अंदर केंद्र तक मोड़ें तो सफेद रंग लाल पर एकदम उभरेगा, बहुत सुंदर दिखाई देगा। और बीच में एक चिपकने वाला मोती लें और उसको चिपका दें तो देखिए बहुत ही खूबसूरत एक सुंदर एक नमूना बन गया है। इसके हम कई सारे वेरिएशन देखेंगे। अब यहाँ पर हमने चौकोर को पहले आधे में मोड़ा, फिर चौथाई में मोड़ा और फिर उसको 1/8 एक त्रिकोण बन जाएगा। एक बार इसको फिर देखिए, पहले हमने चौकोर को आधे में, फिर चौथाई में, फिर 1/8 में मोड़ा। उसके बाद में उसमें हम एक छोटा सा एक वक्र बनाते हैं, आर्क बनाते हैं और एक कोना जो 90 अंश वाला कोना है उसको काट देते हैं गोलाई पे बस। और दो हमने जो कर्व लाइंस बनाई हैं, वक्र रेखाएं बनाई हैं, उनको भी कैंची से काट देते हैं। अब धीरे धीरे सावधानी से आप इस मॉडल को खोलिए तो इसमें आपको फोर फोल्ड सिमेट्री दिखाई देगी, चार पंखुड़ियों वाला एक फूल जैसा दिखाई देगा, नीले रंग का, बैंगनी रंग का। और उसके बाद में जो सफ़ेद पंखुड़ियाँ हैं उनको बिल्कुल आप केंद्र तक, सेंटर तक मोड़ें तो देखिए सफ़ेद जो है नीले पर बेहद सुंदर दिखाई देगा। और बीच में एक चिपकने वाले मोती से आप चारों सफ़ेद पंखुड़ियों को चिपका दें तो देखिए देखने में कितना सुंदर नमूना दिखाई दे रहा है। इसका एक और वेरिएशन है, पहले हमने कागज़ को आधे में मोड़ा और उसके बाद में उसका हमने मध्य बिंदु निकाल लिया और फिर हम इसको 60 अंश पे, जो 180 अंश का कोण है उसको हम धीरे धीरे करके तीन बराबर हिस्सों में बांटेंगे 60-60 अंश के। ये देखिए तीनों 60-60-60। उसके बाद हमने इसको आधे में मोड़ा 30 अंश में और फिर एक छोटा सा यहाँ पर भी एक वक्र बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे और सभी तहों को हम कैंची से काट देंगे। इस मॉडल को भी हम सावधानी से खोलेंगे क्योंकि 60 अंश का कोण है और हमको मालूम है कि एक बिंदु 360 अंश का होता है तो ये एक 6-4 सिमेट्री हो जाएगी। इसमें भी दो कर्व लाइंस खोलेंगे और सफ़ेद पंखुड़ियों को जब हम केंद्र तक मोड़ेंगे और उनको एक चिपकने वाले मोती से चिपका देंगे तो ये देखने में बेहद सुंदर एक नमूना दिखाई देगा, आप इसको बस देखते ही रह जाएंगे। इसी तरह से हम चाहें तो, ये तो 6-4 सिमेट्री हो गई, हम 8-4 का भी इसी तरह से एक सुंदर नमूना बना सकते हैं। ये देखने में बेहद खूबसूरत है और बनाना भी बहुत ही आसान है।